नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की प्रशासनिक सेवाओं में फरीदाबाद के सेक्टर 16 निवासी महक चयनित हुई हैं। महक की ऑल इंडियन रैंक 17वीं है। उनके पिता प्रदीप जैन एक कंपनी में जनरल मैनेजर का काम करते हैं, जबकि माँ घर का कामकाज संभालती हैं। महक को यह सफलता तीसरी बार में हासिल हुई है। महक के घर में बधाई देने वालों का इस समय तांता लगा हुआ है। तैयारी जो है ये एक साल भर का प्रोसेस है। पूरा 3 स्टेज है एग्जामिनेशन के। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 में और इनिशियल 2 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाई थी प्रिलिमिनरी स्टेज। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था यूपीएससी में, जिसमें मैंने प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल की है। मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि कांस्टेंट आपको एवरी डे कम से कम 8 to 10 hours की मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा एग्ज़ाम्स जब पास होते हैं तो 12 घंटे 14 घंटे। पर मैं घंटों को ना देखते हुए अपने टारगेट्स को ज़्यादा ध्यान में रखती थी। सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान करती थी कि किस तरह से मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा होता था कि क्वालिटी स्टडी की जाए रादर देन नंबर ऑफ आवर्स की कितना पढ़ा कितना नहीं। कठिनाइयाँ बहुत आई, क्योंकि जैसे कि पहले जो मेरे 2 अटेम्प्ट थे इनिशियल, उनमें तो मैं प्रिलिमिनरी स्टेज ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो सेल्फ डाउट भी आता है कभी कभी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट फैमिली का सपोर्ट था और अपनी मेहनत पर, अपने लक्ष्य पर विश्वास था, तो दोबारा मेहनत करी, दोबारा से स्टार्ट किया। और आज माता पिता का मैं कहूँगी सबसे जो इम्पोर्टेंट पिलर था मेरी प्रिपरेशन का, वो मेरी फैमिली का सपोर्ट ही था। क्योंकि इनिशियली जब मैं खुद पे भी थोड़ा डाउट आने लग गया था कि होगा नहीं होगा, कैसे मैनेज करूँगी, साथ साथ मास्टर्स भी चल रही थी, कॉलेज भी था, तो मैनेज करने में दिक्कत होती थी। तो हमेशा मम्मी मोटिवेट करती थी कि नहीं करोगे, प्लानिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, करने से ज़रूर होगा। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट 2019 में दिया था राइट आफ्टर मैं ग्रेजुएशन। तो उससे एक साल पहले मैं वीकेंड बैच लेती थी, तभी मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी। उसके संग संग मैं अपनी पढ़ाई कॉलेज के साथ साथ, पहले से मेरे दिमाग में था कि मुझे एग्ज़ाम के लिए अपियर होना है। बट तब तक मैंने कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बनाया था कि कब दूंगी, कैसे दूंगी, क्या तैयारी होगी। तो ग्रेजुएशन में आके ही मैंने देखा कि मुझे लगा कि मुझे अब ये अटैम्प्ट दे देना चाहिए अपना। तो मैंने अकॉर्डिंगली प्लान बनाया, अपना कोचिंग ज्वाइन करी, उसके संग सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी, और फिर ग्रेजुएशन के बाद ही सबसे पहले अपना 2019 में ही अटैम्प्ट दिया। मुझे लगता है कि उस टाइम पे तो सभी लोग काफ़ी डरे हुए भी थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। पर मैंने उस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लिया, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बच गया मेरा कॉलेज का, क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, इवन एग्ज़ाम भी डिले हो गया था। जो मई में होना था वो अक्टूबर में हुआ। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था मैंने उसको अपनी प्रेपरेशन में यूज़ करा, उसको अच्छे से नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन जो थी मेंस के लिए मैंने थोड़ा और एफर्ट डाला, और प्रैक्टिस की, और मॉक एग्ज़ाम्स दिए। तो मैंने सोचा कि जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है उसको प्रेपरेशन में ही अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा ड्रीम था ये मुझे मेरी मम्मी ने ही दिखाया था। उनका सपना था कि मैं ये करके दिखाऊँ, तो और उन्होंने ही इस पूरी जर्नी में मुझे एक कांस्टेंट सपोर्ट दिया, हर तरह से फेलियर्स के बाद भी एनकरेज करा। आज तो सभी लोग सक्सेस पे सभी साथ दे रहे हैं, पर जब मैं फेल हुई थी तब मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फिर से एनकरेज किया। तो मैं इसका श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगी। यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं लाइफ में उसको इंडिपेंडेंटली लीजिए, उसको थरो रिसर्च के बाद लीजिए। और जो भी आप डिसाइड करते हैं अपने गोल लाइफ में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई जॉब हो, उसके लिए आपको बस ऑनेस्ट एफर्ट्स डालने हैं। अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट होंगे, आप सच्ची मेहनत करेंगे, तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, एक साल इसको तैयारी में लग जाता है, फिर नहीं होता अगर किसी भी स्टेज में, जो इंटरव्यू के बाद भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर से प्रीलिम्स देना है, तो काफ़ी बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने खुद भी ऐसा सामना किया था जब मुझे भी सेल्फ डाउट होने लगा। बट उसमें आपको एक तो अपना इनिशियल मोटिवेशन क्लियर रखना चाहिए कि हमें जो काम करना है वो हमें क्यों करना है। अगर आप उसके साथ क्लियर हैं तो आपकी जो विजन है वो खुद ही आपको इंटरनली ड्रिवन होंगे आप वो काम करने के लिए। और सेकेंडली मैं कहूँगी कि फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सिस्टम का सपोर्ट, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उन सबको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना कॉम्पिटिटिव है, तो कई बार हमें एक बारी में सफलता हासिल नहीं होती। पर हमें गिवअप नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के संग, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एग्ज़ाम है, एक जरिया है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर ना करते हुए भी किसी और जरिए से भी आप कर सकते हैं। तो हमेशा एक लार्जर पिक्चर, जो एक बड़ा गोल है आपका, उस पर फोकस करना चाहिए। एग्ज़ाम भी निकल ही जाएगा अगर मेहनत करेंगे तो। मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन है। किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी है उसके बच्चे उससे ज़्यादा हाइट पर पहुँचे, और इसने तो पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया। दिनचर्या तो इसकी ये थी कि ये खुद डिसाइड करती थी, लेकिन हम जब भी देखते थे ये पढ़ती रहती थी और अपने आप शेड्यूल करती थी। हमारा उसमें कोई गाइडलाइन नहीं थी, ये अपने हिसाब से तैयारी करती थी। जनरली ये रात को ज़्यादा पढ़ती थी, दिन में सोती थी। हमारी ये बिटिया शुरू से स्कॉलर है,
हमने इसको शुरू से मोटिवेट किया कि तुम किसी भी अच्छे उसके लिए जा सकते हो टारगेट के लिए। तो इसने कहा मैं UPSC का एग्ज़ाम दूँ क्या। हमने इसको हमेशा मोटिवेट किया, जब भी इसको कभी कोई परेशानी होती थी या ये डीमोटिवेट होती थी तो इसकी मम्मी और हमेशा यही कहते थे कि बेटा तू मेहनत बहुत करती है, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसकी बड़ी बहन का बड़ा सहयोग है, वो रात दिन इसकी सेवा करती थी, खाने के लिए पानी के लिए रात को 2-2 बजे उठ के वो इसके लिए कॉफ़ी बनाती थी, फ्रूट काटती थी, जो भी इसको ज़रूरत होती थी इसकी बड़ी बहन वाणी जैन ही पूरा करती थी। देखिए इस समय का तो ये सबसे बड़ा टारगेट था जो इसने अचीव किया है। अगर आगे भी ये कोई इस तरीके का टारगेट रखना चाहती है तो ये इसकी अपनी चॉइस है, हम हमेशा इसके साथ हैं क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है, ये कर सकती है और इसने प्रूव किया है। बहुत खुश है, बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, बच्चे की मेहनत सफल हुई है। घर का काम वैसे नहीं करती थी पर कुछ परेशानी होती थी, कुछ होती थी तो पूरा सपोर्ट करती थी। ऐसा घर का काम ये नहीं कि बर्तन मारती थी कोई सपोर्ट करती थी, अगर हम बीमार हैं या कुछ है, बीच में कोविड हो गया था तो पूरा संभाल लिया था, मम्मी को कुछ परेशानी है, पापा को कुछ परेशानी है तो टाइम बाई टाइम पूरी हेल्प करती थी। पहली बार इसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ तो काफ़ी निराश हो गई थी, पर इसको यही समझाया कि तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, भगवान एक ना एक दिन फल देगा, वो भगवान ने इसको आज दिया। बच्चों को समझाना ये पेरेंट्स का काम होता है, बच्चों को सही राह पे डालना, थोड़ा धर्म की तरफ डालना बच्चों को, मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करते हैं थोड़ा मन को शांति मिलती है, दिमाग डाइवर्ट होता है तो वो कुछ सोचने समझने के लिए प्रिपेयर होते हैं अपने। इसको सिर्फ पढ़ाई पसंद थी शुरू से, पढ़ाई के अलावा इसे किसी और चीज़ में रुचि नहीं थी, शुरू से पढ़ती रहती थी, छोटी भी थी तब भी आते साथ पढ़ना, बल्कि हम इसको बोलते थे थोड़ी देर कुछ और काम कर, कुछ और एक्टिविटीज़ कर, नहीं सिर्फ पढ़ाई। हम तो शुरू से ही कहते हैं अब मेरी बिटिया अब आगे बढ़ी है, लेकिन औरों की बिटियाँ तो पहले से आगे बढ़ी हुई हैं, तो मैं ये बात पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ और आगे भी कहूँगी कि बेटियाँ बेटों से किसी मामले में कम नहीं हैं।